उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट की जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। उग्र हो रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। किसानों का आरोप है कि उन्हें जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि मौजूदा वक्त के हिसाब से उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं जिलाधिकारी देवेंद्र पांडेय का कहना है कि किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास किसानों का कोई बकाया नहीं है। देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा है कि ट्रांस गंगा सिटी एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, किसानों को मुआवजा दिया गया है। किसानों के गुट हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। तो यूपी के उन्नाव का मामला है जहां पर किसानों ने मुआवजे की मांग की थी और इसी दौरान ये बवाल यहां पर सामने आया है और आगे ज़्यादा मामला बढ़ता हुआ देख फिलहाल कहा जा रहा है कि मौके पर इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो ट्रांस गंगा सिटी में ये बवाल हुआ है और मुआवजे की मांग ये किसान कर रहे थे। किसानों ने जेसीबी पर पथराव भी यहाँ पर किया है। हालांकि कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जो मुआवजा देना था वो दे दिया गया है, कुछ भी अब बकाया नहीं है। कहा जा रहा है किसानों के दो गुट थे जो कहीं ना कहीं कुछ को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी शिकायतें हैं उनके समाधान पहले ही किए जा चुके हैं। तो इस तरह के से बवाल की स्थिति, तनाव की स्थिति यूपी के उन्नाव में देखने को मिली, ट्रांस गंगा सिटी में, जहां पर किसानों ने जेसीबी पर पथराव किया है। पुलिस बल और किसान आमने सामने आ गए। हालांकि हालात अभी भी कहीं ना कहीं कुछ तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसी के देखते हुए फिलहाल पुलिस बल को वहाँ पर तैनात किया गया है।